कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल हमें निकालना है। मेरा नाम है दीपक कुमार। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये जो आप सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल, ये सिर्फ इसी चैप्टर में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब ये सिर्फ इसी चैप्टर से आपका केवल यही फायदा नहीं होगा बल्कि आगामी जितनी भी सवाल आएगी सब में इसका रोल है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रतिस्थापन विधि 100% इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो मान लीजिए कि सवाल परीक्षा में आती है, बिल्कुल यही जो लिखी गई है। पहली सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो आप कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहला क्या काम होगा, हल डालना पड़ेगा, बिल्कुल इसे भूलिएगा नहीं, हल तो डालेंगे ही। उसके बाद जो सवाल लिखी गई है एक बार उसको लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और ये समीकरण 1। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 4 और ये समीकरण 2। दो समीकरण हैं, यानी कि दो चर पद हैं x और y, और x y का मान हमें निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम निकाल रहे हैं तो क्या काम करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले समीकरण को फिर से लिखिए, चूँकि x प्लस वाई बराबर 14, इसलिए x बराबर 14 माइनस वाई, और ये समीकरण बन गया आपका तीसरा। ये कैसे हो गया, हमें हमेशा पहले x का मान निकालना है, कभी भी मतलब इस जो पहला समीकरण लिखा है उसे लिख करके आपको x का मतलब निकालना है, यानी x बराबर करना है। तो चूंकि x बराबर जब लिखेंगे तो 14 जो है वो तो रहेगा ही, और इधर प्लस y है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस y। तो इस तरह से x बराबर हो गया 14 माइनस y और ये समीकरण बन गया तीसरा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं ना, इसलिए लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो ध्यान रखिएगा समीकरण 3 का मान हमेशा समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में नहीं, क्योंकि 1 वाले समीकरण से ही तो x का मान निकला है। इसलिए अब इसको x में रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा आपका, आपका हमेशा काम किस में होगा, 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रख दीजिए, तो 2 क्या लिखा गया है, 2 में लिखा है एक्स माइनस वाई बराबर 4, और एक्स बराबर है क्या आपका 14 माइनस वाई, तो एक्स के स्थान पर हो जाएगा 14 माइनस वाई, और आगे माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए वाई और वाई कितना हो गया, माइनस 2 वाई, और 4 और ये 14 उधर चला जाएगा, माइनस 14 बराबर 14 में से 4 गया माइनस 10, है ना, माइनस 10। तो सीधा सीधा आपका आ गया वाई बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2 बराबर 5, तो वाई का मान आ गया 5। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको लिखना है वाई का मान समीकरण, अब आप किसी में भी रख दीजिए, जब आपका y का मान आ गया, मतलब y का मान जब निकल जाए तो x का मान निकालने के लिए आप चाहे समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 यूज करिए, चाहे समीकरण 2 यूज करिए, चाहे समीकरण 3 यूज करिए। तो सबसे सरल तरीका होता है समीकरण 3 यूज करना y का मान निकालने के लिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर, तो चलिए y का मान समीकरण 3 में हम रख देते हैं। तो 3 क्या लिखा गया है, 3 में लिखा गया है x बराबर 14 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान क्या है 5, तो x बराबर 14 में से 5 गया, क्या हो गया 9। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो आ गया, क्या आ गया, x बराबर 5 और y बराबर, सॉरी उल्टा लिख दिए, x बराबर 9 y बराबर 5। ठीक है, पहली सवाल आपकी हल हो गई। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, एस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। बिल्कुल सरल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे हल। ठीक है, हमने डाल दिया हल, अब हल डाल करके क्या लिखेंगे, जो लिखा है यस माइनस टी बराबर 3, और ये समीकरण आपका है पहला। दूसरा समीकरण क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6,
और ये समीकरण आपका है दूसरा। ठीक है, तो देखिए सबसे सरल तरीका तो ये होता है कि समीकरण आपका रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब एक लाइन में होना चाहिए। देखिए जैसे पहला वाला है, दूसरा वाला लाइन में नहीं है ना, दूसरा वाला भिन्न में है। तो अच्छा ये होगा कि ये जो दूसरा वाला भिन्न में है इसे भी आप लाइन में बना लें। तो लाइन में बनाने के लिए करना क्या होता है, इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए आप, है ना। 3 2 का लघुत्तम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6। तो अब 2 का s में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2s धन 3 का t में गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 3t बराबर 6। तो अब आपका हो जाएगा 2s धन 3t बराबर, इस 6 का इस 6 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36। और ये अब आपका बन गया समीकरण अच्छे से दूसरा, मतलब ये जो दूसरा है वही ये भी है। अब आपका यहाँ से काम समाप्त तो हो गया। ध्यान रखिएगा आपका पहला और दूसरा से आपसे मतलब अब है। तो ये वाला जो दूसरा था इसका काम तमाम। चलिए पहला वाला हम लिख देते हैं इसी के नीचे, यस माइनस टी बराबर क्या लिखा गया है, 3। और ये समीकरण है पहला। तो पहला समीकरण नीचे, दूसरा समीकरण ऊपर, कोई बात नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि पहले समीकरण से यस माइनस टी बराबर 3, इसलिए s बराबर क्या होगा, 3 धन t। और ये समीकरण बन गया तीसरा, है ना। यहाँ माइनस टी है, दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी। अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण ये लिखना ज़रूरी है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ध्यान रखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, तो कहाँ है 2, ये वाला 2 हमारा यूज होगा नहीं, ये वाला 2। तो क्या लिखा है यहाँ, 2s, चलिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दिख नहीं रहा है, 2s फिर क्या लिखा है, प्लस 3t बराबर 36। तो 2s, यस के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 2, उसके बाद यस के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 धन t, आगे क्या लिखा है, 3t बराबर 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 का t में गुणा कर दीजिए, 2t धन 3t बराबर 36। तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं आप अपना, यहाँ पे क्या आया है, 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। ठीक है, यही आया है। तो अब 2 और 3 कितना हो गया, 5t, और 36 के साथ लिख दिया गया 6, तो क्या हो गया, t बराबर 36 में से 6 गया 30 बटे 5 बराबर 5 6 30। तो t का मान आपका आ गया 6। क्लियर, t का मान आपका आ गया 6। और जब t का मान 6 आ गया तो आपको क्या लिखना है, t का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण सबसे अच्छा रहता है 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कहाँ है, 3 आपका समीकरण ये है, s बराबर 3 धन t, लिख दीजिए s बराबर 3 धन t। तो s बराबर 3 और t का मान कितना आया है, 6, तो क्या हो गया, s बराबर 6 3 9। तो आपका उत्तर आ गया t बराबर 6 और s बराबर 9, और आपका हल हो गया। तीसरा प्रश्न लिखते हैं, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, डालेंगे क्या हल। पहला समीकरण क्या है, 3x - y = 3, समीकरण लिख दिए 1, फिर 9x - 3y = 9, और समीकरण क्या लिख दिए, 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि पहला समीकरण यहाँ पे है 3x - y = 3, इसलिए 3x = 3 धन y, चूँकि प्लस वाई है उधर चला गया, माइनस वाई है उधर चला गया प्लस वाई। अभी x का मान डायरेक्ट आया नहीं है, अभी तो 3x लिखा है ना, अभी हमको निकालना है x का,
तो जो यक्स के साथ है वो कहाँ आ जाएगा, सामने वाले के नीचे, यानी कि 3y/3। और ये समीकरण आपका हो गया तीसरा। क्लियर। चलिए x का मान रख देते हैं, x का मान किसमें रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर कहाँ है, दो ये है। चलिए रख देते हैं 9x-3y=9। तो 9 × x का मान क्या लिखा गया है, 3 / y/3। आगे क्या लिखा है, -3y=9। चलिए 3 से ये कट गया, 3 × 9 तो अंदर अंदर भी 3 बाहर भी 3, तो 3 × 3 आपका हो जाएगा 9 + 3 का y में गुणा करेंगे 3y, फिर आगे क्या है, -3y=9। ठीक है, तो देखिए इस 3y से इस 3y को हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और संख्याएं दोनों सेम हैं, तो क्या आ गया 9 = 9, जबकि यहाँ कुछ y आना चाहिए था, y आता तभी तो लिखते ना y बराबर इतना, तो यहाँ y तो कट गया। तो जब y कट गया तो इसका मतलब y का मान निकलेगा ही नहीं। क्लियर। तो आप मतलब ये जो समीकरण थी इसका हल नहीं हो पाएगा, तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है कि इस समीकरण का हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि देखिए y कट गया, जबकि और सवालों में क्या होता था कि एक ठो y ज़्यादा रहता था दूसरा वाला कम, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते थे तो कुछ आ जाता था, तो जो आता था उसी का मान y मान लेते थे, यहाँ पे y कट गया तो नहीं निकलेगा, तो समीकरण 3 का हल नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये बात यहीं से कन्फर्म हो गई थी कि इसका हल नहीं होगा, कैसे, देखिए अच्छे समझ लीजिए। पहला समीकरण है 3x-y=3, ओके। दूसरा समीकरण है 9x-3y=9। तो समीकरण का एक नियम होता है कि अगर तीनों पद किसी एक संख्या से कटते हैं ना तो उसे काट दिया जाता है। तो देखिए ये 3 से सब कट रहे हैं, तो काट दीजिए 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9। तो इस तरह से जो यहाँ पहला समीकरण था वही फिर से समीकरण लिख दिया गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो समीकरण है ही नहीं, और मान निकालना है दो चरों का, तो दो चरों का तब मान निकलता है जब दो समीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दो समीकरण नहीं है बल्कि पहला ही समीकरण फिर से रिपीट किया गया है ना, इसलिए इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को चालू कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो डालें आपके पास पहुँच जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।